Hello dear student, today I am teaching you English for class 5th. Our today's topic is comparison of adjectives. So in my previous video, I explained you about adjectives. So quickly we will revise about adjectives. Adjectives, a word that tells us more about a noun. Adjective, वो word होते हैं जो कि noun के बारे में बताते हैं. Qualifying, it is called an adjective. So it tells us about its quality. Either the noun is pretty, helpful, large, small, the color is yellow, green, whatever it is. Then about the quantity, like much, few, and the number, one or first. So as we classified or we categorize adjectives into four parts, we already discussed in previous videos, like adjective of quality, adjective of quantity, adjective of number, demonstrative adjective, possessive adjective, and interrogative adjectives. Now we will study in this chapter, that is comparison of adjective. So adjectives are used not only to describe nouns but also to compare two or more nouns. So adjective is not only describe single noun, it will describe or we can say compare two or more nouns. ठीक है, दो या दो से ज़्यादा noun को वो compare भी करता है. So there are three degrees of comparison in adjective. तो adjective की तीन main degree के according हमने उनको classify किया है. So first of all, I'll detail explain you about positive degree. So when we are talking about one noun, we use the positive degree. When we talk about a single noun, जब हम किसी एक noun के बारे में बात करते हैं तो उसके बारे में हम उस time पे हम positive degree का use करेंगे, positive degree of adjective का use करेंगे. It is the basic form of an adjective. Adjective की ये basic form है. जैसे for example, my brother is tall. तो tall अपने आप में एक विशेषता बता रहा है noun की, जो कि my brother है, my उसका जो भाई है उसकी विशेषता बता रहा है. एंड टॉल अपने आप में एक बेसिक डिग्री हम कह सकते हैं जो कि पॉजिटिव डिग्री है. वी आर नॉट कंपेयरिंग और हम बहुत सारों में उसको नहीं बता रहे, सिर्फ हम एक की बात कर रहे हैं. तो जब हम सिर्फ एक नाउन की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वन नाउन, वी यूज पॉजिटिव डिग्री. ओके, लाइक टॉल, ठीक है, लाइक स्मार्ट, लाइक ब्यूटिफुल, लाइक प्रिटी. ओके, बिकॉज वी आर नॉट कंपेयरिंग. नाउ व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू नाउन्स, जब हम दो नाउन को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, वी यूज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. तो उस कंडीशन में हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं जो कि सेकेंड फॉर्म है एडजेक्टिव की. इट इज द ईआर फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव. वी ऑलवेज यूज द वर्ड देन, या तो हम ईआर का यूज करते हैं और हम सेंटेंस में देन का यूज करते हैं आफ्टर द कंपैरेटिव फॉर्म, कंपैरेटिव फॉर्म के बाद, ठीक है, ऑफ एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज टॉलर देन मी. तो जो हमारा कंपैरेटिव डिग्री है उसमें हम अपना जो एडजेक्टिव है उसके बाद देन का यूज करते हैं, ठीक है, और टॉलर आ जाता है. फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री में हमने टॉल लिखा है, अनदर सेकेंड में हमने लिखा टॉलर. व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू और मोर नाउन्स देन वी यूज ई आर और उसके बाद हम देन का यूज करते हैं. नाउ व्हेन वी आर कंपेयरिंग मोर देन टू नाउन्स, यहाँ पे तो जब हम सिर्फ दो के बीच में कंपेयर कर रहे हैं इसलिए इसको कंपैरेटिव डिग्री बोला जाता है. नाउ व्हेन वी आर कंपेयरिंग मोर देन टू नाउन्स,
दो से ज़्यादा नाउन का आपस में जब हम कंपेयर करते हैं वी यूज़ द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं. इट इज़ द ई एस टी फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव. तो हम अपने एडजेक्टिव में ई एस टी का यूज़ करेंगे. वी ऑलवेज यूज़ द वर्ड द बिफोर, ठीक है, और उस वर्ड से पहले हम द लगाएंगे. बिफोर द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस. तो द हम लगाएंगे अपने सुपरलेटिव जो हम एडजेक्टिव बता रहे हैं, जिसकी क्वालिटी बता रहे हैं उसके आगे, क्योंकि वो अपने आप में यूनिक है, वो सारे ग्रुप में एक है, तो इसलिए उसके आगे हम द लगाएंगे. जैसे माई ब्रदर इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द सिबलिंग्स, ठीक है, तो मेरा भाई सब से लंबा है. क्लियर. नाउ फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. सो द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द पॉजिटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव. तो इसकी पॉजिटिव डिग्री से ये बनता है. देर आर सर्टेन रूल्स, और भी इसके कुछ रूल्स हैं, वी विल फॉलो वन बाय वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स वी एडेड ई आर. तो बहुत सारे एडजेक्टिव्स में हम ई आर का यूज़ करते हैं कंपेयर करने के लिए, एंड ई एस टी का यूज़ करते हैं वी व्हेन वी हैव टू शो द सुपरलेटिव डिग्री, लाइक टफ, टफर, टफेस्ट. तो मैंने आपको बता दिया व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू पीपल, टू नाउन्स, देन वी यूज ई आर अलॉन्ग विद द एडजेक्टिव. जैसे टफ है तो टफर, और सुपरलेटिव में टफेस्ट का यूज हो जाएगा. स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. क्विक, क्विकर, क्विकेस्ट. Warm, warmer, warmest. Nice, nicer, nicest. Sweet, sweeter, sweetest. Long, longer, longest. Cheap, cheaper, cheapest. Okay? Now the second rule. For adjectives that end with a vowel plus single consonant, we repeat the consonant and then add ER to form the comparative degree and ES to form the superlative degree. Now, in some cases, when the vowel before the single consonant, जब आपका single consonant से पहले vowel लग रहा है, जैसे fat है fat, तो fat में T is your single consonant और इससे पहले A use हो रहा है, A is a vowel. So, comparative degree में हम टी ई आर लगाएंगे, मतलब एक वो फिर से रिपीट हो जाएगा और टी ई आर लगा दिया. कहने का मतलब है कि सिंगल कॉन्सोनेंट में हम उसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें एक और, अब हमने जब एक और टी बढ़ाया है तो उसके पीछे एक और टी है, नाउ वी विल पुट ई आर बिकॉज बिफोर द टी इज नॉट अ वॉवल, इट इज कॉन्सोनेंट इटसेल्फ. तो फैटर, एफ ए डबल टी ई आर, और सुपरलेटिव में फैटेस्ट हो जाएगा. क्लियर. रेड, रेडर, रेडेस्ट. वेट, वेटर, वेटेस्ट. थिन, थिनर, थिनेस्ट. बिग, बिगर, बिगेस्ट. सैड, सैडर, सैडेस्ट. क्लियर. नाउ नेक्स्ट, थर्ड रूल. द एडजेक्टिव दैट हैव टू और मोर सिंबल्स वी ऐड द वर्ड मोर, ठीक है, before them for to form comparative degree, most for the superlative degree. जब more symbols वो दिखा रहा है, ठीक है, तो जैसे important का more important, most important, difficult का more difficult, most difficult, ठीक है, beautiful का more beautiful, most beautiful. Now next, for adjective that have two symbols, टू सिलेबस एंड एंड्स विद वाई एंड रिप्लेस द वाई. जब वाई को आप रिप्लेस करते हैं तो आप आई ई आर का यूज़ करते हैं इन कंपेरेटिव, एंड इन सुपरलेटिव यू यूज़ आई ई एस टी, लाइक हैप्पी, एच ए डबल पी वाई. तो आई को हम एलिमिनेट करेंगे और लिखेंगे आई ई आर, और सुपरलेटिव डिग्री में हम लगा देंगे आई ई एस टी. तो हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट. बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट. ग्रीडी, ग्रीडर, ग्रीडिस्ट. क्लियर. Now there are no set rules
टू फॉर्म द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ सम एडजेक्टिव. अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसका कोई पर्टिकुलर कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में कोई भी ज़्यादा हम कह सकते हैं, देर इज़ नो सेट रूल. जैसे गुड का बेटर बेस्ट, मच का मोर मोस्ट, बेड का वॉर्स वॉर्स्ट, लिटिल का लेस लीस्ट, फार का फार्दर फार्देस्ट. ओके, सो दीज आर द फाइव रूल्स ऑफ अवर एडजेक्टिव अलॉन्ग विद देयर डिग्रीज. वन इज योर पॉजिटिव, सेकेंड इज योर कंपेरेटिव एंड थर्ड इज योर सुपरलेटिव. ओके, नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज. सो दिस मच इज एनफ. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.